ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु देव के पावन चरणों में कोटि नमन। खैरा गढ़िया के पावन धरती पर त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में विभिन्न जगहों से पधारे वंदनीय पूजनीय संत गुरुजन, मंचासीन सरदे संत महापुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहन, तीन दिनों से हम लोगों ने आए हुए संत गुरुजनों के द्वारा कल्याणकारी विचारों को सुन रहे हैं। ये सुनना और ये सत्संग का होना तभी सफल माना जाएगा जब आप यहां से बदल कर जाएंगे, जब आप अपने जीवन में संत गुरुजनों के द्वारा सुनी हुई बातों को धारण करके जाएंगे। नहीं तो अगर बदलाव नहीं हुआ, इस सुनने और बोलने का क्रम तो जीवन भर चलता रहेगा। इस सत्संग तो हम जीवन भर सुनते रहेंगे लेकिन जीवन में कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तीन दिनों से जो कुछ यहां सुना है, अगर भाई भाई के बीच दूरियां है, लड़ाई और झगड़े है, वो झगड़ा नहीं मिट गया, समाज में गुटबंदी है, समाज में फूट है, समाज में एक दूसरे से टकरार है, अगर वो टकरार खत्म नहीं हो गया, वो दूरियां खत्म नहीं हो गई, उस समाज में एक रूपता नहीं आई, भाई भाई के बीच प्रेम नहीं हुआ, तो इस सत्संग का होना कोई महत्व नहीं रखता है और आपको इस सत्संग में आना कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व तो तब है जब आप सुने हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन को बदलें, आप अपने जीवन को समझें कि हमारे जीवन किस लिए है। आए हुए संतों के द्वारा बहुत ही गंभीर विचारों को सुने हैं, जीवनोपयोगी बातों को सुने हैं और अगर उस पर हम चले ना तो क्या लाभ मिलेगा? कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यह बोध होना चाहिए, हमारा जीवन मूल्यवान है, हमारे जीवन का समय मूल्यवान है। हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जब तक इस जीवन में श्वास है, शरीर में श्वास है, जब तक हमारी श्वास चल रही तब तक जीवन है। इसलिए जीवन को हम ऐसा सुंदर बनाएं, जीवन को ऐसा बनाएं हमारा जीवन भी पूज्य हो और दूसरे के लिए भी पूज्य बन जाए। हम अपने जीवन में तो लाभ लें, हमारे जीवन से दूसरों को भी लाभ मिले, क्योंकि मानव जीवन कर्म भूमिका है। आप जो कुछ करते हैं वही पाते हैं। अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो आपको भी सेवा मिलने वाला है। अगर आप पिता और माता की सेवा करते हैं तो आगे आपको भी सेवा मिलने वाला है। अगर आप सास ससुर की सेवा करती हैं तो आगे आपको भी सेवा मिलने वाला है, नहीं तो सेवा नहीं मिलेगी। जिस उम्मीद से आज माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोषते हैं, बड़ा करते हैं, एक ही उम्मीद है हर माता पिता के पास, एक ही इच्छाएं हैं कि हमारे बुढ़ापा की सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापा में सेवा करेगा। लेकिन आज विपरीत देखा जाता है। आज बच्चे को तो आप बड़ी मेहनत से घुटने भर धोती पहनकर, टूटी चप्पल पहनकर आप पढ़ाते हैं, लिखाते होते, सर्विस तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो सर्विस में पहुंच जाता है आप अपना घर जोगते हैं, आप एक गिलास पानी झुक करके लेते हैं, आप जीवन में बुढ़ापा में दुखी पाते हैं, माँ बेटा और पोतहु अलग कहीं सर्विस करके सुखी जीवन जीता है। सर्विस करे उससे कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे यह बोध होनी चाहिए कि माता पिता की हमारे जीवन में क्या लागत, माता पिता क्या है। आज अपने बच्चों को देव और देवियों की परिचय कराते हैं लेकिन ये कभी बोध नहीं कराते माता पिता ही देव और देवी हैं।
भगवान है, भगवती है या बोध नहीं कराते। आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से मंदिर के सामने ले जाते हैं और कहते हैं भगवान इस मंदिर में विराजमान है, देव और देवियां इस मंदिर में विराजमान है, आप इसके सामने सिर झुकाओ, नमन करो। वो बच्चा समझ लेता है भगवान तो सिर्फ मंदिर में है, माता पिता कुछ भी नहीं। इसलिए जरूरत है आज परिचय कराने की अपने बच्चों को कि माता पिता देव और देवी हैं, दादा दादी ही देव और देवी हैं। इसका चरण वंदन करो, इसका चरण पूजन करो, इसे नमन करो। यह बोध जब तक नहीं होगा, ये संस्कार जब तक नहीं होगा, बच्चे आपकी सेवा आगे करने वाला नहीं। आज अधिकांश घरों में जाता हूं, बच्चों को पूछता हूं कि बेटा भारत के वीर शहीद उद्धम सिंह का नाम जानते हो? कहता नहीं जानता। पूछता हूँ भगत सिंह का नाम जानते हो? कहता नहीं जानता हूँ। पूछता हूँ चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हो? कहता नहीं जानता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का नाम अधिकांश बच्चे कहते नहीं जानता। वही अगर उस बच्चे से पूछ देता हूँ अजय देवगन का नाम जानते हो? कहते एक्शन वाले हीरो हैं, बाल वाले हीरो हैं। सन्नी देओल का नाम तो बॉक्सिंग वाले हीरो हैं, मिथुन चक्रवर्ती का नाम कराटे वाले हीरो हैं। एक तरफ से परिचय करा देता है लेकिन अपनी अतीत के महापुरुषों का परिचय नहीं कराता है। क्यों आज माता पिता अपने घर में अतीत के महापुरुषों की तस्वीर नहीं लगाते हैं, संत महापुरुषों की तस्वीर नहीं लगाते हैं, वीर शहीदों की तस्वीर नहीं लगाते हैं, उनके जीवनियां से अपने बच्चों को परिचय नहीं कराते हैं। परिणाम ये हो जाता है उनके अंदर ऐसी संस्कार, राष्ट्रवादी भावना, माता पिता के प्रति प्रेम, उनके प्रति पूज्य की भावना नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि वो बच्चा बुढ़ापा में आपसे कोसों दूर हो जाता है। इसलिए जिस उद्देश्य से आप अपने बच्चों को जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, योग्य बना रहे हैं, उसे ऐसी संस्कार भी दीजिए। देव और देवी जो ओरिजिनल है, जो आप खुद हैं, इनका परिचय कराइए, तब आपकी आपको सेवा बुढ़ापा में मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा आप जो कुछ करेंगे वही पाएंगे, आप सेवा करेंगे सेवा पाएंगे, अगर किसी से आप छल करते हैं तो छल ही पाएंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहा था, उसे रतलाम स्टेशन में गाड़ी पकड़नी थी, वो रतलाम स्टेशन चला गया। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते हो, बड़े चतुर और चलाक व्यक्ति थे। रतलाम स्टेशन में जो ही पहुंचा, गाड़ी लगी, गाड़ी में इतनी भीड़ थी, भीड़ को देख करके मुल्ला नसरुद्दीन का दिमाग चकरा गया, आज कैसे सफर करूंगा। फिर भी किसी तरह से ट्रेन के बोगी में घुसा, भीड़ इतनी खचा खच थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है आज की यात्रा बड़ी दुखदाई है, लेकिन एक युक्ति निकाला। अपने झोला में प्लास्टिक का सांप रखा था, उसने प्लास्टिक के सांप को निकाला और उसमें हवा भरा और छोड़ दिया। सांप, प्लास्टिक वाला सांप बोगी में रेंगने लगा हवा में और शोर मचा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन इस बोगी में सांप है, बोगी में सांप है, लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची, सबके सब नीचे उतरने लगे, पूरा बोगी खाली हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराता है, मैंने तो सोचा था आज की यात्रा बड़ा दुखदाई है, लेकिन आज का यात्रा तो ऐसा है, लोग रिजर्वेशन बनाते हैं, एक बर्थ मिलता है, मुझे तो पूरे बोगी का बर्थ मिल गया है। झट से तौलिया निकालता है, झोला से बर्थ पर बिछाता है, लेट जाता है, थका मंदा था, नींद आ जाती है, खर्राटे मारने लगता है। इधर लोग जा करके स्टेशन मास्टर के पास शिकायतें करते हैं कि बोगी में सांप है, हम लोग यात्रा नहीं करेंगे। स्टेशन मास्टर आता है, उस बोगी को वही खुलवा देता है और झंडी दिखा करके गाड़ी को रवाना कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन बोगी में सोए खर्राटे मार रहा है, 6 घंटे बीत गए, उसके बाद उसकी आंखें खुली, अंगेठी लिए बाहर उतरता है, नजर चाय वाले भाई पर पड़ता है, चाय वाले भाई से पूछता है भाई कौन सा स्टेशन है? मुल्ला नसरुद्दीन से चाय वाले भाई ने कहा ये रतलाम स्टेशन है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता 6 घंटे पहले मैं यात्रा प्रारंभ किया हूँ रतलाम स्टेशन से और तुम कहते हो रतलाम स्टेशन है, तुम्हारी दिमाग तो नहीं खराब हो गई? चाय वाले भाई ने कहा मेरी दिमाग नहीं खराब है, विश्वास नहीं होता साइन बोर्ड पढ़ लो। जो ही मुल्ला नसरुद्दीन साइन बोर्ड पढ़ता है कहता सही में ये रतलाम स्टेशन है। मनी मन पश्चाताप करता है, जहां से मैं यात्रा प्रारंभ किया था वहीं का वही हूं, ये तो मेरी समय बर्बाद हो गया, 6 घंटा मैं जहां से चला था वहीं का वहीं रह गया। इसलिए बंधुओं आप जो कुछ करते हैं वही पाएंगे,
आप जहां से यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आपका कर्म गलत है, आपका सोच गलत है, आपका संस्कार गलत है, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की जो मांग है हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, वो तब होगा जब आपके जीवन में प्रेम हो और आपके जीवन में सेवा हो, आप अपने कर्मों की महत्व को समझते हो। बस मेरा समय समाप्त है, मैं नीचन शब्दों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सबके घट में बैठे रमैया राम को करता हूँ प्रणाम। साहेब बोलिए सदगुरुदेव की, मिल रहा है वही।